फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चल रहा है और आज फोर्थ लेक्चर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटा आज की इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर विद ज्योमेट्री, यानी कि मैं आपको ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आज ज्योमेट्री से कनेक्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। देखिए बेटा क्या होता है, क्या बेसिकली ज्योमेट्री से मेरा यहाँ मीनिंग है बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो जनरली क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप बच्चों ने पहले ही कर रखा है, हमारे पास अगर हम 2D सिस्टम की बात करें तो एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है बेटा, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, इसको एक्स डैश बोल देते हैं, इसको वाई डैश बोल देते हैं, राइट बेटा। और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों एक्सिस का, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओके, अभी क्या होता है, देखो ये जो सिस्टम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक्चुअली दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय रेने डेस्कार्ट। इस सिस्टम को बेटा रेने डेस्कार्ट ने ही डेवलप किया था और उन्हीं के ओनर ने, हम हर चीज के आगे क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा, कार्टेशियन, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन एक्सिस, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, जैसे आपकी फिजिक्स की बात की जाए तो अगर फिजिक्स में से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन निकाल लिए जाए तो ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा बेटा, ऑप्टिक्स बचेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो वो साइन कन्वेंशन है क्या बेसिकली, जिसे ओरिजिन है इससे इधर की हम हर लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं, नीचे क्या करते हैं नेगेटिव लेते हैं। ये तो बात थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आयलर ने यूज किया बेटा, एज इट इज। किसने यूज किया, आयलर ने, यूलर भी आप इसे कह सकते हैं, आयलर या यूलर कुछ भी कहो। ठीक है, आयोटा के इन्वेंटर थे, आयोटा को इन्होंने ईजाद किया था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आयलर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है बेटा। आयलर ने भी क्या किया, सेम एज इट इज यही सिस्टम उठा लिया, बट उन्होंने जो एक्स एक्सिस थी उसको नाम दे दिया बेटा रियल एक्सिस। एक्स एक्सिस को क्या नाम दे दिया, रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस थी उसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर ये हम नाम इनके बदल देते हैं तो ये जो नया प्लेन आपके पास बना इसका नाम होगा बेटा कॉम्प्लेक्स प्लेन। दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब देखिए आपको यहाँ परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड कार्टेशियन प्लेन एक ही चीज है, लेकिन जहाँ कार्टेशियन आपके पास रियल नंबर को स्टडी करने के लिए बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स प्लेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी करने के लिए बना हुआ है। जहाँ कार्टेशियन प्लेन रेने डेस्कार्ट ने डेवलप किया था, वहीं कॉम्प्लेक्स प्लेन को आयलर ने डेवलप किया था बेटा। तो इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह सकते हैं और इसको आयलर प्लेन भी कह सकते हैं। इसके ये नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेगा। एक नाम और भी इसका रख सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में इसको लिखा होता है, दिस इज आर्गन प्लेन। ठीक है, डी इज साइलेंट है, सो दिस इज आर्गन प्लेन, इसको आर्गन प्लेन भी बोला जाता है बेटा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ ये अगेन ओ ओरिजिन ही कहलाएगा। अब देखिए मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा, जेड इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा, तो बेटा आपको पता ही है कि इसमें रियल पार्ट क्या है आपके पास, जेड का 3, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या बेटा, 2। मैंने पहले भी आपको बता था, व्हाइल राइटिंग द इमेजिनरी पार्ट आयोटा इज नॉट मेंशन, कभी आयोटा का मेंशन कीजिए, इमेजिनरी है, उसकी पहचान ही है कि वो आयोटा के साथ था। ठीक है, तो देखिए बेसिकली दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वलेंट टू बेटा 3, 2, जो हमारा रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एज ए एक्स कोऑर्डिनेट बिहेव करता है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट होता है वो एज ए वाई कोऑर्डिनेट बिहेव करता है। और जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को बेटा एक पॉइंट के इक्वलेंट रख रहे हैं तो उसकी ज्योमेट्री भी बनेगी कैसे, देखिए 1, 2, 3, 1, 2, तो अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। बेसिकली ये अगर इसको ओरिजिन को मैं इस पॉइंट से बेटा ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3, 2, तो हम ये कहेंगे कि दिस लाइन इज एक्चुअली 3 + 2 आयोटा, दिस लाइन इज एक्चुअली 3 + 2 आयोटा, एक्चुअली दिस लाइन सेगमेंट इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमें कॉम्प्लेक्स नंबर डेवलप कर सकते हैं। अगर कल आपको कोई ये कहे कि पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, a +
बी आएगा। ठीक है, अगर कोई आपको कहे पॉइंट है 7.9, बताइए इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, 7+9 आएगा, लाइक दैट। तो पॉइंट दे रखा हो तो कॉरिस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आप लिख सकते हो, और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे रखा हो तो कॉरिस्पॉन्डिंग बेटा पॉइंट भी लिखा जा सकता है। गॉट माई पॉइंट, आई होप दैट यहाँ तक आपको बात बेटा अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद देखो हम अगली चर्चा करते हैं इसके ऊपर। इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जेड इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका जो इक्वलेंट पॉइंट है वो क्या रहेगा, एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ दर्शा देता हूँ बेटा एक्स कोमा वाई। ठीक है, दिस इज पॉइंट पी, ये आपके पास हुआ बेटा ओ से लेकर पी तक कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नाउ आपने बेसिक डेफिनेशन तो पढ़े रखी सब बच्चों ने, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक है बेटा परपेंडिकुलर डाल दूँ, तो मेरे पास ये लेंथ क्या जाएगी y, किसी भी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है वो उसके y कोऑर्डिनेट के या इमेजरी कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, और ये लेंथ आपके पास क्या देगी बेटा x। तो कैन यू टेल मी द लेंथ ऑफ OP, वेरी सिंपल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा दो साइड की लेंथ आपको पता है, एज पर पाइथागोरस थ्योरम अगर मुझे OP की लेंथ निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो बेटा ये जो ओपी है ना, ये ओपी जो होता है ये एक्चुअली क्या दर्शाता है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस ओपी को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली ओरिजिन को और इस पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बेटा मॉडुलस कहलाता है, या आप इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ही बात है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, जेड के ऊपर मॉडुलस लगा देते हैं बेटा, मॉडुलस जेड इज गिवन बाय दिस। तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं बच्चे कि जेड मॉडुलस निकालना हो तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगेन आई एम टेलिंग while calculating the modulus choose only the real part and imaginary part, you have no need to pick up this iota। ठीक है बेटा, इस calculation में iota का use नहीं होता। तो ये है modulus। अब modulus के आपसे कोई definition पूछ ले, what is the modulus of complex number, तो बेटा आप इस चीज को geometrically explain कर सकते हो कि भाई अगर इस point को origin से मिलाया गया है तो इस लाइन सेगमेंट के जो लाइन सेगमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी लेंथ को ही हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। एक प्रॉपर्टी मैं आपको और यहां समझाना चाहूंगा बेटा, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, डेफिनेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखिए कॉन्जुगेट को मैं यूँ समझाऊंगा, जैसे मेरे पास जेड इज इक्वल टू 2+3 आयोटा है, तो बेटा आप इसकी ज्योमेट्री पे आराम से जा सकते हैं, एक्स 2 रहेगा, वाई आपका जो है वो 3 रहेगा, 1, 2, 3 अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट आएगा। तो देखिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर के जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है बेटा वो क्या है, 2, 3, राइट, और आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ये वाला है 2+3 आयोटा। तो आप क्या करें, जो पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है उस पॉइंट का टेक, मतलब उस पॉइंट का क्या करना है, यू हैव टू टेक, आपको लेना है क्या मिरर इमेज, यू हैव टू टेक मिरर इमेज। जो भी पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है आप उस पॉइंट का क्या करेंगे, मिरर इमेज लेंगे बेटा, किस में, इन एक्स एक्सिस में, या x एक्सिस तो होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, यहाँ आप माइंड में उस चीज को कैसे याद रख सकते हो बेटा, रियल एक्सिस। देखिए बार बार आपके हॉरिजॉन्टल x एक्सिस ही आएगा दिमाग में और धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि वो बेटा क्या है, रियल एक्सिस। तो मिरर इमेज आप आराम से ले सकते हैं, भाई मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जो है एज ए प्लेन मिरर अगर कंसिडर कर लो बेटा, तो आपने 9th ऑनवर्ड पढ़ना स्टार्ट किया था कि कोई ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के सामने रखा है तो उसका जो इमेज है वो उससे
बैक साइड है उतने डिस्टेंस पर बनेगा। तो जब इसका इमेज लिया हमने तो इस गैप पे कोई फर्क नहीं आया, यानी तो दो रहेगा, ये भी दो ही रहेगा और ये भी क्या रहेगा, दो रहेगा। दैट मीन्स इसका जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो क्या रहा, दो। लेकिन ये पॉइंट थ्री यूनिट अबोव है और ये पॉइंट थ्री यूनिट बिलो है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस तीन। तो फिर इसके जो कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके कोरस्पॉन्डिंग वो क्या बनेगा, वो बनेगा टू माइनस थ्री आयोटा। नाउ दिस इज माइनस थ्री। तो बेटा ये है कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्लस थ्री आयोटा, और जो टू माइनस थ्री आयोटा आया वो इस पॉइंट का मिरर इमेज है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्जुगेट ऑफ जेड। और इसको लिखते कैसे कॉन्जुगेट ऑफ जेड को, जेड के ऊपर बार लगा देते हैं। तो इसको पढ़ते हैं कॉन्जुगेट ऑफ जेड, लिखने में जेड के ऊपर क्या आएगा, बार। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्लस थ्री आयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, टू माइनस थ्री आयोटा। डेफिनेशन क्या है, पॉइंट का मिरर इमेज लेना है रियल एक्सिस में, वही उसका क्या होता है बेटा, कॉन्जुगेट। अब इसका अगर कोई कॉन्जुगेट पूछे टू माइनस थ्री आयोटा का, तो इसका फिर से मिरर इमेज लूंगा मैं एक्स एक्सिस में, तो इसका वापस वही आ जाएगा। यानी कि इसका फिर से अगर कॉन्जुगेट निकालना हो इसका, तो अगेन टू प्लस क्या आएगा बेटा, थ्री आयोटा। और इसका दोबारा कंजुगेट लेने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर वन टाइम होगा बाहर डाल दो। तो इट मीन्स अगर दो बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया जाए देन अगेन वी विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये थी बेटा आपकी स्टडी मॉडुलस की और कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट की। आज के इस लेक्चर में आपको केवल और केवल इसी पर फोकस करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स मैं देने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको प्रैक्टिस करना है।